मैडम आप एक्सप्लेन करते रहिए, आवाज ओके धीमी। ओके ओके सर। हाँ हाँ स्क्रीन पर कोई लिखना नहीं, नहीं तो उन्हें हम निकाल देंगे इस सेशन से, लेक्चर से बाहर निकाल देंगे। स्क्रीन पर कोई नहीं लिखेगा। कंटिन्यू हाँ तो मैडम। स्टूडेंट्स, हमारे घर में जो तार हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में सर्किट लगा हुआ है, जिससे कि हमारे घर में बिजली पंखे सभी चल रहे होते हैं, तो जो तार होता है ज्वाइंट करने के लिए, जिससे कि हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति होती है, उसमें जो मेंस तार होता है, एक मोटा सा तार होता है कवर लगा हुआ, उसको बोलते हैं मेंस। उसमें तीन प्रकार के तार होते हैं, अगर आप देखोगे उसको ओपन करके, तो उसके अंदर तीन तार होते हैं। एक होता है लाइव तार। लाइव तार वो होता है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, जिसके अंदर विभवांतर होता है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ना। और जो एक होता है उदासीन तार, मोस्टली जो लाइव तार होता है वो ब्लैक कवर में होता है। एक होता है उदासीन तार, न्यूट्रल, उसमें कोई भी आवेश नहीं होता। और एक आवेशित तार है और एक लाइव तार है। और इसी कारण से क्या होता है कि इन दोनों में, अगर एक लाइव तार है मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें विभवांतर है, इसमें आवेश होता है, और जो ये न्यूट्रल है इसके अंदर तार के अंदर करंट नहीं होता। अब इन दोनों के कारण क्या होता है कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस, विभवों का अंतर यानी आवेशों का जो अंतर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और यही कारण है कि करंट हमारे घरों में आता है। अगर ये विभवांतर नहीं होगा तो करंट हमारे घरों में नहीं आएगा, विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। कहने का अर्थ है, अब जैसे कि हम, अगर आप टंकी ले लीजिए, दो टंकी आपके घर में है, अगर दोनों टंकी का लेवल में पानी, अगर पानी भरा हुआ है, दोनों का लेवल अगर बराबर होगा, तो क्या किसी एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी जाएगा? क्या नहीं होगा? अगर आपको लगता है कि एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी फ्लो होना चाहिए, तो आप क्या करते हो, एक का लेवल आप ऊपर रखते हो, है ना। एक ज्यादा भरा हुआ रहेगा तो जाके दूसरे में क्या होगा कि वहां पे पानी फ्लो करेगा। ठीक उसी प्रकार इस आवेश में भी होता है, विद्युत तार में। अगर एक में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो और एक में पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, यानी कि विभवांतर, आवेश ज्यादा होगा, दूसरे में कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है, तो ही जाके करंट फ्लो होता है। और तीसरा होता है ये हमारा भूसंपर्क, आपने देखा होगा अर्थिंग तार। आप जो ट्रिपल पिन यूज करते हो, जिसमें आप सॉकेट में लगाते हो, थ्री पिन प्लग यूज करते हो, तो उसमें एक जो होता है भूसंपर्क तार होता है। भूसंपर्क यानी का अर्थिंग होता है ना। अर्थिंग का मेन कार्य क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका किसी, आप जिस तार को आप यूज कर रहे हो, कोई मशीन यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज कर रहे हो, किसी कारणवश अगर विद्युत धारा उसमें आती है या फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है, आप अगर उसको टच करोगे तो आपको जोर से झटका नहीं लगेगा, उसमें करंट नहीं लगता है, और इसीलिए अर्थिंग लगाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग अभी। तीन तार होते हैं, पहला विद्युत तार जिसे लाइव या फेज तार कहते हैं, ये दूसरा होता देखिए है यहाँ पे। उदासीन से न्यूट्रल तार कहते हैं, जिसे हाँ, कहते हैं अभी जिस देखिए। सिरे में टेस्टर लगाने पर टेस्टर में लगा हुए तीन छेद होते अभी हैं, मान जिस लीजिए सिरे में कि अभी, टेस्टर लगाने पर टेस्टर में लगा हुए। हाँ अब मान लीजिए कि अगर आपके घरों में कोई सॉकेट वगैरह खराब हो गया, आपका बोर्ड वगैरह खराब हो गया है, तो आप उसे कैसे चेक करते हो? ऑब्वियसली आप टेस्टर यूज करते हो। आप टेस्टर, सब लोग को पता होगा टेस्टर क्या होता है। अगर जिसमें टेस्टर लगाने पर, अगर आपको ये पता करना है कि थ्री पिन में लाइव तार कौन सा है ना, लाइव तार कौन सा है और साथ में कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा अर्थिंग है, आप पता करने के लिए टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप थ्री पिन में क्या करिए कि आप टेस्टर डालिए, और टेस्टर में अगर आपका बल्ब जल उठता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, अपना लाइव तार का सॉकेट है ना, लाइव तार का पिन है। और जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता, बल्ब नहीं जलता, उसमें क्या होगा कि फिर उसको हम बोलते हैं कि ये न्यूट्रल है, वो तार न्यूट्रल होता है। वीडियो का आवाज बंद रखें, वीडियो का आवाज बंद रखें, आपका आवाज बोलते रहें। और हाँ सर, चले सर, ये बच्चे फिर से स्क्रीन गंदा कर रहे हैं ऐसे, ये बच्चे सुन नहीं रहे। क्यों कर रहे हो बच्चों ऐसा, आपको नहीं सीखना है क्या? मैडम हाँ देखिए, आप अगर क्लियर ऑप्शन आपको होगा वो क्लियर कीजिए ना, वहां से स्क्रीन क्लियर करने का ऑप्शन होगा, आपको स्क्रीन क्लियर कर दीजिए। स्क्रीन क्लियर कैसे होगा, वो उन लोग ही कर सकते हैं। सर यहाँ से नहीं हो रहा है मेरे से अभी। कुछ मत छोड़ दो, आप है ना मैडम, थोड़ी देर लेक्चर बोल के लीजिए, मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। मैं ओके सर, ठीक है, जो जो बच्चे कर रहे हैं ना उनको डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, निकालता हूँ यहाँ से। ठीक है सर, चलेगा। अभी देखिए, हम लोग जब भी, हमारे घरों में कोई भी गड़बड़ी होती है इलेक्ट्रिक करंट के संबंधित, या बोर्ड हमारा खराब होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं।
तो जिस भी पिन में अगर आप वहां पे किसी भी पिन के सॉकेट के लिए 3 छेद होते हैं किसी एक प्लग को लगाने के लिए, तो एक प्लग में जो 3 पिन है उसमें आप जिस पिन के अंदर अपना टेस्टर डालते हो, अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है यानी कि टेस्टर का बल्ब जल जाता है, मतलब वो कौन सा तार का सॉकेट है, लाइव तार का सॉकेट है, और उसके बगल में जो सॉकेट होता है छोटा सा होल होता है उसमें अगर आप टेस्टर डालते हो और करंट फ्लो नहीं हो रहा है यानी कि आपका जो टेस्टर का बल्ब है वो नहीं जल रहा है, तो सिम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रल तार का सॉकेट है ना, वो लाइव तार नहीं, वो न्यूट्रल तार का सॉकेट होता है। उसके बाद जो ऊपर का सॉकेट होता है बड़ा वाला सॉकेट, उसको बोलते हैं हम लोग अर्थिंग, वो अर्थिंग का सॉकेट होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि फ्यूज और लघु परिपथन क्या होता है। इसीलिए इसी को तो बोलो क्लीन किया कर अपने सर पे बोलो वो भी कर रहे हैं। तारों के मध्य विभवांतर 220 वोल्ट का होता है। तीसरा तार होता है भू संपर्क नहीं लगे जब किसी कारण से। तो देखिए लघु परिपथन क्या होता है, मान लीजिए कि कभी कभार क्या होता है कि बहुत पुराना पुराना तार है ना, आपने बहुत पुराना तार रखा हुआ है और वो आपके लिए बहुत दिन से चेंज नहीं किया हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो कभी कभार क्या होता है उसके ऊपर का जो कवर होता है ना, उसपे जो कवर होता है वो कवर जगह जगह से टूट फूट जाता है, और वो कभी कभी क्या होता है कि पुराना होने के कारण सड़ जाता है। अब लाइव और न्यूट्रल तार जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, एक साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, और उनके एक साथ कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है कि वहां पर विद्युत धारा बहुत अधिक प्रवाहित होती है और चिंगारी निकलती है और साथ में आग लगने के भी चांसेस होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस कारण से घरों में आग भी लग जाती है या फिर जो मशीन है वो पूरी तरह क्या होता है खराब हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु परिपथन या फिर शॉर्ट सर्किट। दूसरा अपना टॉपिक है यहाँ पे अति भारण। अति भारण यानी क्या होता है कि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाल देना। अब विद्युत विभाग जो है, हम लोग देखते हैं कि हमारे घर के आसपास एक एरिया के लिए ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, वो ट्रांसफार्मर की कुछ कैपेसिटी होती है कि वो कितना लोड हैंडल कर सकता है, क्योंकि अभी पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, सबके घरों में आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, सबके घर में पंखा लाइट ये तो होता ही है, उसके अलावा आजकल फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन, इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो एक साथ ही होती हैं। अब मोस्टली गर्मी के टाइम क्या होता है कि मोस्टली सभी चीजें सब लोग हम लोग ऑन करके रखते हैं है ना, गर्मी के टाइम मोस्टली सभी चीजें क्या होती हैं, ऑन होती हैं, और इस कारण से क्या होता है कि अचानक से इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो होता है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, उस कारण से क्या होता है कि ओवरलोडिंग बढ़ जाती है। अब उतना हैंडल नहीं कर पाता है ट्रांसफार्मर प्रेशर, तो क्या होता है कि जो उसका ट्रिप होता है वो डाउन हो जाता है, या तो फिर वहां की जो फ्यूज होती है वो उड़ जाती है, फ्यूज पिघल जाती है। मैडम आप न्यूमेरिकल लेने वाले हैं? सर है इसमें न्यूमेरिकल, इसके बाद ही है। सर वीडियो में ही आएगा मतलब? हाँ कि अभी मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया है उस पर बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, वो वीडियो के ऊपर उनको ऑप्शन दिख रहा है और मैं एक एक करके अभी सबको निकाल रहा हूँ जो लिख रहे हैं उनको। ठीक है सर, चलिए वीडियो। आपको न्यूमेरिकल बताना है तो व्हाइट बोर्ड लेके बताइए, नहीं तो या तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए आप। अभी देखिए लघु परिपथन से हानि क्या होती है ना, लघु परिपथन होने पर परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहती है जिससे घर के उपकरण गर्म होकर आग से जल सकते तथा घर में अग्नि दुर्घटना हो सकती है। अतः दुर्घटना से बचने के लिए विद्युत उपकरण को नष्ट होने से बचाने के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि फ्यूज क्या होता है। कहा जाता है परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का शक्ति का उपयोग होता है, इसलिए क्षमता न होने के कारण उसकी संलग्नता पिघलती है और आपूर्ति बंद हो जाती है। यह घटना सबसे पहले तो जो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहे हो ना, लिखना बंद करो आप लोग, और पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आप लोग को काइंडली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बाकी बच्चों को डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। अधिभार अर्थात
ओवरलोडिंग के कारण घटित होती है, जिससे परिपथ टूट जाता है और परिपथ में धारा मैडम एक बार वापस से शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ मैडम एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए मैडम वापस से। हाँ बंद करके फिर शेयर। अभी मैंने सबको रिमूव करना चालू किया है, मुझे पता चल गया है कि कौन कौन कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो जो कर रहे हैं ना निकालता हूँ सीधा। ओके ओके सर, चलेगा। अभी आगे देखिए, हम देखते हैं कि फ्यूज क्या होता है, फ्यूज के बारे में देखते हैं, क्योंकि फ्यूज हम लोग मोस्टली अपने घरों में हर जगह इस्तेमाल करते हैं। विद्युत धारा के अचानक बढ़ने आगे पूरे परिपथ पर खराब प्रभाव हो जाने से, जबकि लघु पथ होने के तत्व अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है, फ्यूज में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान सुरक्षा से बढ़ जाता है, इससे फ्यूज का ताप बढ़ जाता है और फ्यूज का तत्व निकल जाता है, अर्थात फ्यूज बढ़ जाता है और इससे आगे पूरे परिपथ। देखिए जो फ्यूज होता है वो किसका बना होता है, क्रायोलाइट का बना होता है और चीनी मिट्टी का बना होता है। उसमें जो प्लेट लगी होती है उस प्लेट में टंगस्टन का तार नहीं होता है, कॉपर का तार या तो फिर कोई पतला सा टीन का तार लगा होता है, जिसका कि गलनांक बहुत ही कम होता है। अगर गलनांक अधिक रहेगा उसका तो फिर फ्यूज लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। फ्यूज लगाने का एक यही रीजन होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो, यानी कि जब फ्लक्चुएशन होता है इलेक्ट्रिक करंट, कभी कभी क्या होता है कि कम या ज्यादा होता रहता है, तो इस कारण से क्या होता है कि जो हमारे घर में जितने भी डिवाइस हैं वो पूरे खराब ना हो जाएं। और इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ता है, हमको पता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट आता है तो फिर तार का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर अगर अधिक बढ़ जाएगा तो जितने भी हमारे डिवाइस है सब खराब हो सकते हैं। तो उसी डिवाइस को बचाने के लिए जहां से हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई आती है, यानी जो मेन तार आता है, सबसे पहले उसके पास क्या लगाया जाता है, स्विच बोर्ड लगाया जाता है। स्विच लगाने से क्या फायदा होता है कि जैसे ही करंट ज्यादा हो रहा है, एक लिमिट के बाहर हो रहा है, तो क्या होगा कि उसमें स्विच में जो तार लगा होता है वो तार पिघल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो फिर क्या होगा कि वो अपने आप मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। अब पिघलने के बाद क्या होगा कि जो फ्यूज रहता है वो उड़ जाएगा और बाकी के जो भी हमारे डिवाइस रहते हैं वो सब सुरक्षित बच जाते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग फ्यूज के आगे। दूसरे शर्त में तार आधा अर्थात यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको जो पहला सम दिया गया है, नाइक्रोम नामक मिश्र धातु से बनाई गई 6 मीटर लंबाई की तार की कुंडली बनाकर उष्मा निर्माण करने के लिए दी गई है, उसका विद्युत प्रतिरोध कितना है, 24 ओम है। इस तार से आधा तार कुंडली बनाई गई तो क्या मिलने वाला उष्मा अधिक होगा, और प्राप्त करने के लिए तार के कुंडली के सिरों का 220 वोल्ट विभवांतर वाले स्रोत से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे विभवांतर का प्रतिरोध कितना है, 24 ओम है, और विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट है। तो क्या मिलने वाली ऊष्मा अधिक होगी, शक्ति प्राप्त करने के लिए तार के कुंडली। यहाँ पे दो कंडीशन दिए गए हम लोगों को, एक 6 मीटर की तार है और 6 मीटर की तार के अंदर देखिए यहाँ पर 24 ओम प्रतिरोध यहाँ पर है, और जो बैटरी है कितने की है, 220 वोल्ट की है। दो शर्त दी गई है, और दूसरे शर्त में क्या है कि इसी तार का जो 6 मीटर का तार है हमारा, इस 6 मीटर के तार को ब्रेक करके यहाँ पर, यानी कि 3 मीटर का हो गया, उसको आधा कर दिया गया है, 3 मीटर का तार हो गया, तो उसको यहाँ पर छोटा सा अपना अपना सर्किट बनाया गया है, लेकिन दोनों में विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट का ही है,
विभवांतर दोनों में कितना रहेगा, 220 वोल्ट का ही रहेगा। अब क्योंकि हमने तार को आधा कर दिया है, यहाँ पे तार को आधा करोगे तो क्या होगा, जो प्रतिरोध है वो भी आधा हो जाएगा। प्रतिरोध भी यहाँ पे कितना हो गया है, फिर 12 ओम हो गया है। तो हमारे पास अब दोनों ही सर्किट के लिए प्रतिरोध भी है, बड़े वाले सर्किट में कितना है 24 ओम और छोटे सर्किट में कितना है 12 ओम है, लेकिन दोनों का विभवांतर कितना है 220 वोल्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले अखंडित तार की कुंडली के लिए, अखंडित यानी क्या, जब हम लोगों ने तार को पूरा लिया है 6 मीटर लिया है, उस टाइम यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे उसका पावर। पावर निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। अब ये P बराबर V स्क्वायर R कैसे आया, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर तो फिर भी हम लोग ये वीडियो चल रहा है ना, उस पे हो रहा है, बाकी व्हाइट बोर्ड वगैरह पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, किया था व्हाइट बोर्ड, तो इस पर ये ऑप्शन पता नहीं कैसे आ रहा है। अभी हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि दोनों ही तार जो है, ये एक 6 मीटर का तार है, 6 मीटर के तार में 24 ओम प्रतिरोध था और इसका हाफ करने पे, आधा करने पे कितना हो गया, ये 3 मीटर हो गया। तो हमको यहाँ पे इसकी लंबाई से कुछ फर्क नहीं, हमको यहाँ पे लंबाई यूज नहीं करनी सवाल में, लेकिन ये खाली एक आपको एक हिंट दिया गया है कि इसका जो लेंथ है वो आधा करने पे क्या हो सकता है कि जो इसका प्रतिरोध है वो भी आधा, आपने पहले पढ़ा होगा प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, आधा हो गया। यानी कि अगर इसका प्रतिरोध 24 ओम था तो दूसरे वाले सर्किट में प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये 12 ओम हो जाएगा। लेकिन दोनों में ही जो विभवांतर है वो 220 वोल्ट और 220 वोल्ट का ही रहने वाला है ना। तो अपने पास अभी दो सवाल, एक में दो सवाल है, दोनों को ही पावर यानी कि उसकी जो ऊर्जा है वो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये आप लोग की गड़बड़ी के कारण यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, है ना। और आपको ओहम का नियम भी पता होगा, ओहम के नियम के अनुसार क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, हाँ चलिए देखते हैं, V इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर। यहाँ देखिए क्या हो गया, V इज इक्वल टू आई आर हो गया है। तो फिर I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ये देखिए यहाँ पे V I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, है ना। हमको अभी अभी इस फॉर्मूला में जो हमारा P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू वी आई जो फॉर्मूला था, उसमें I का जो मान है, I का मान हम लोग क्या रखेंगे, V अपॉन R रखेंगे, ये मान रखेंगे। तो हमको नया फॉर्मूला क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू वी वी अपॉन R। ये क्या हो गया, V का वर्ग हो गया, V का गुणा V में करेंगे तो क्या हो जाएगा, V का वर्ग। तो हमको क्या फॉर्मूला मिल गया अभी, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, V का वर्ग बटे R, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। अब ये हमको फॉर्मूला जो मिला है इसको हल करेंगे। तो V का मान यहाँ पे कितना था, 220 वोल्ट, V यानी क्या, विभवांतर, है ना। तो कि विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट है, 220 वर्ग है क्योंकि यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ग लेंगे। फिर R कितना है, पहले कंडीशन में 24 ओम है, ये 24 ओम है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। अब हम लोग आसान कर सकते हैं इस सवाल को, और भी कैसे कर सकते हैं कि 220 गुणे 220 लिख सकते हैं, है ना। आगे प्ले करती हूँ मैं, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे जब हम लोगों ने 220 गुणे 220 बटे 24 लिखा, तो दो के पहाड़े से, है ना, दो के पहाड़ा से हम लोग 12 बार में 24 कट जाएगा, है ना। दो को 12 बार पढ़ेंगे तो हम लोग कितना जाएगा, 24 कट जाएगा। फिर यहाँ पे दो एकम दो, दो एकम दो कट गया, फिर जो जीरो बचा वो हम लोग लिख लिया यहाँ पे, तो हमको कितना मिला यहाँ पे, 110 फिर गुणे 220 बटे यहाँ पे 12। अब जो 12 है उसको हम लोग फिर दो के पहाड़ा से कट करेंगे, तो दो छक क्या होता है, 12, दो छक 12, 6 बार में 12 कट गया। और फिर 110 को हम लोग 55 बार में कट करेंगे, आप दो से इसको हल करोगे, दो से भाग दोगे तो दो पच्चे 10, फिर एक बचा यहाँ पे 10 हो गया, फिर दो पच्चे 10, तो अभी क्या मिल गया हमें, 55 गुणे 220 बटे 6। अब 6 को हम लोग फिर से कट कर सकते हैं दो से, दो से हम फिर कट करेंगे इसको, तीन बार में जाएगा, 6 को कट करेंगे और 110 बार में हम 220 को कट करेंगे। अभी देखिए जो हमारा यहाँ पे 6 बचा था उसको हम लोगों ने दो के पहाड़ा से तीन बार में कट किया, तो क्या हो गया, 2 × 3 = 6। और उसके बाद इस 220 को हम लोगों ने फिर दो से कट किया, कितना आ गया, 110, है ना।
अभी हम लोग इसको तीन को तीन से भाग दे के हम लोग पूरी तरह 55 को भी डिवाइड नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते, और पूरी तरह हम लोग 110 को भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा हमको, 55 का और 110 का हम गुणा कर देते हैं, फिर जो हमको गुणनफल मिलेगा उसको हम तीन से डिवाइड करेंगे, तीन से भाग देंगे उसमें हम लोग। कितना मिलेगा गुणा करने पे हमें, अब देखिए यहाँ पे जो हमने 55 और 110 लिया था उसका गुणा करने पे हमें कितना मिल गया, यहाँ पे 6050 और बटे कितना मिल गया 3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आसान हो गया डिवाइड करना, 3 दूनी 6, दो बार में 6 जाएगा, शून्य तो जाएगा नहीं, शून्य लिख देंगे यहाँ पे, फिर 3 एक कम 3, 3 एक बार में जाएगा, फिर यहाँ 2 बचेगा, उसके बाद कितना हो गया यहाँ पे 20 है ना, 3 चक 18, यानी हल करने पे कितना मिलेगा हमें फिर आंसर, देख लेते हैं हम लोग इस प्रकार से, 3 से एक बार में हम 5 को कट करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, हाँ 2, तो हमें आंसर कितना मिल रहा है यहाँ पे, 2016 मिल रहा है हमें। अब बार बार आप देखेंगे, हाँ अभी 2016 आने के बाद यहाँ पे अब वो कंटिन्यू पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद यानी दशमलव आएगा, उसके बाद 6-6 कंटिन्यू आता रहेगा, ये अखंडित है, अखंडित आवर्ती दशमलव आपने पढ़ा होगा पहले 9th क्लास में, तो यहाँ पे 6.66 आता रहेगा, तो अपना आंसर कितना आ गया, 2016.66, ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर, आपके टेक्स्ट बुक में जरा आंसर गड़बड़ दिया हुआ है, कंटिन्यू आता रहेगा, तो हमारा इसका आंसर कितना होगा, 2016.665। टेक्स्ट बुक में आपको आंसर थोड़ा अलग दिया है, अलग मतलब लास्ट के दो तीन डिजिट नहीं दिए हैं, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, आपका जो राइट आंसर है वो कितना होगा, 2016.66 वाट, है ना, ये आपका राइट आंसर है और ये आप मार्क कर लीजिए। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अभी सेकंड वाले के लिए निकालेंगे, सेकंड हमारा कंडीशन क्या दिया गया है कि जो हमारा सर्किट है वो कितना हो गया है हाफ, यानी उसमें विभवांतर कितना, यानी प्रतिरोध कितना हो गया है, आधा हो गया है, पहले में प्रतिरोध कितना था 24 और दूसरे में प्रतिरोध कितना है 12, तो उसको भी हम इसी प्रकार हल करेंगे। मैडम सर, आपका ये जो स्क्रीन शेयर आपने किया है ना, वहाँ राइट साइड में नीचे क्लियर है एक डिलीट बटन होगा, उसको दबाइए, 3 आएगा ऑप्शन क्लियर ऑल करने का, कहाँ पे सर, आपने जो स्क्रीन शेयर किया वही नीचे राइट साइड कोने में डिलीट का डब्बे जैसा बटन आएगा, उसको दबाइए तो क्लियर ऑल का ऑप्शन आएगा, क्लियर ऑल का ऑप्शन, पहले डिलीट जैसा कुछ आ रहा है क्या स्क्रीन पे, स्क्रीन पे डिलीट जैसा कुछ बटन आ रहा है क्या राइट साइड कोने में, सर मेरे में तो नहीं आ रहा, आपने स्क्रीन शेयर किया तो आपको एडिट करने का ऑप्शन आ रहा होगा ना नीचे, फिलहाल तो खाली प्ले का दिखाई दे रहा है नीचे मुझे, ठीक है कंटिन्यू कीजिए, ठीक है सर, अभी देखिए नेक्स्ट अपना जो यहाँ पे सेकंड पार्ट था, यानी कि जब हम लोगों ने प्रतिरोध यहाँ पे आधा कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको फिर से इसी प्रकार लिखना पड़ेगा P is equal to V square upon R, अब V का वैल्यू हम लोग को पता है ये कितना है 220, तो हम फिर से लिखेंगे 220 गुणे 220, और जो हमारा प्रतिरोध है वो आधा हो गया था, क्योंकि हमने तार की लंबाई कितनी कर दी थी, आधी कर दी थी, तो प्रतिरोध भी कितना हो गया आधा, है ना, तो कितना हो जाएगा 12, अब फिर से हम उसको डिवाइड करेंगे, तो फिर 2 से हम लोग करेंगे इसको डिवाइड, 2 से 6 बार में 12 कट जाएगा और 110 बार में क्या हो जाएगा 220 कट जाएगा, हम लोग आगे क्या करते हैं कि 2 से फिर 6 को कट करेंगे 3 बार में, है ना, तो हमारा आगे क्या आएगा देखते हैं हम लोग, अभी 3 बार में देखिए 6 कट गया और उसके बाद 110 बार में ये 220 कट जाएगा, इनका गुणा कर देंगे हम लोग, इन दोनों का गुणा करने पे क्या मिलेगा, हाँ हाँ अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ये 0-0 रहने दीजिए साइड में, 11 का 11 में गुणा करेंगे तो आपको पता है कितना होता है, 11 का वर्ग आपको याद होगा कितना होता है 121, 121 लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद 0-0 उसके आगे हम लोग बढ़ा देंगे, है ना, तो हमें आंसर यहाँ पे अब मिल गया, अभी कितना, कितना मिलेगा हमें 12100 बटे 3, अभी तीन से क्या करना है हमको, इसमें डिवाइड करना है, तीन से इसमें भाग देना है हम लोगों को,
तो भाग देने पे हमें क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे 4033.33 वाट, है ना। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड सम देखिए आपका, सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे दिया है कि 9 ओम के विद्युत प्रतिरोध को सेल से जोड़ा गया है, इस कारण उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण विद्युत प्रतिरोध में प्रति सेकेंड 400 जूल उष्मा निर्मित होती है। विद्युत प्रतिरोध को कितना विभवांतर दिया जा रहा है उसे ज्ञात कीजिए, ये आपका सवाल है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे सर्किट बनाया हुआ है, आप लोग पहले स्क्रीन पे लिखना बंद करिए, और जिस बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग छोड़ दीजिए। आपका जो स्क्रीन शेयर आपने किया है वहाँ नीचे ऑप्शन होगा, पेंसिल जैसा निशान होगा, उसको क्लिक कीजिए आप, तो आपको वहाँ पर डिलीट और डिलीट का बटन आएगा, उधर से तीन ऑप्शन है, आपको उस टाइम ना मेरी तरफ से नहीं हो पा रहा, आप ही कर पाएंगे। ओके, तो वहाँ क्लियर ऑल कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। एक मिनट देखिए, ट्राई कीजिए, पेंसिल जैसा निशान है, आपने वीडियो शेयर किया ना इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर पीपीटी या कुछ होता तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता शायद। अभी थोड़ी देर के लिए देखिए, ट्राई कीजिए, मैंने जैसे बोला इसे पहले क्लियर ऑल कहां पे वो ढूंढना पड़ेगा। पेंसिल जैसा निशान दिख रहा है स्क्रीन पर आपको, सर एक मिनट सर देखते हैं। अभी तो स्क्रीन शेयर बंद हुआ, अभी वापस से कर लीजिए, 5-10 मिनट जो भी एक्सप्लेन कर लीजिए। हां हां सर, चलिए अभी ऊर्जा बटे, अभी यहां पे देखिए, यहाँ पे आपको सवाल दिया गया था कि 9 ओहम के विद्युत प्रतिरोध को सेल से जोड़ा गया, यहाँ पे देखिए एक प्रतिरोध है 9 ओहम का, इसमें प्रतिरोध कितना है 9 ओहम, उसको सेल से जोड़ा गया है, यहाँ पे सेल है, और उसके बाद क्या बोला गया है इसमें कि इस कारण से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण विद्युत प्रतिरोध में प्रति सेकेंड 400 जूल उष्मा निर्मित होती है। अब यहाँ पे इस बैटरी के कारण यहाँ पे कितनी ऊर्जा निर्मित हो रही है, 400 जूल प्रति सेकेंड, यानी टाइम कितना है खाली आपके पास, एक सेकेंड है, और ऊर्जा कितनी निर्मित हो रही है 400 जूल, है ना। विद्युत प्रतिरोध को कितना विभवांतर दिया जा रहा है उसे ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको यहाँ पे V का वैल्यू निकालना है। तो प्रति सेकेंड ऊर्जा कितनी है 400 जूल, है ना, इतनी उष्मा, अर्थात उष्मा यहाँ पे जो ऊर्जा है वो उष्मा के रूप में निकल रही है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको यहाँ पे कि हमको P का वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ पे P का वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया गया है कितना 400 जूल, है ना, जो कार्य है जो पावर है वो ऊर्जा उष्मा के रूप में निकल रही है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है ऊर्जा बटे समय, है ना, ऊर्जा एक मिनट से अभी देखिए यहाँ पे हमको बोला गया कि P बराबर ऊर्जा बटे समय के सूत्र हमको ज्ञात है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, क्योंकि P का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे V/V इसको I होता है। आगे देखिए अभी हम सवाल करते हैं, और उष्मा कितनी है 400 जूल उष्मा के रूप में है, और उत्तर है P के दोनों मानों को क्या मिलेगा हमें। अभी यहाँ पे देखिए P का वैल्यू हमको 400 जूल बटे सेकंड भी मिला है, और P का वैल्यू कितना होता है V/R भी होता है, है ना, यानी हमको P का मान ये भी मिलता है और P का मान ये भी मिलता है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इनको हम आमने सामने रख लेते हैं, पहले इन दोनों को सामने सामने रखेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा हमें 400 जूल बटे सेकेंड बराबर V/R। अभी जो R का मान है उनको क्या करना है, यहाँ पे 9 ओहम रखना है ना, ये कितना है 9 ओहम, उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो आगे का हमें क्या मिलेगा अभी 400 बराबर V/9। आगे का इसके बाद का जो स्टेप है वो ये होगा 400 बराबर V/9, तो हमको क्या करना है V का मान निकालना है, तो 9 को हम लोग क्या करेंगे इस साइड ले जाएंगे 400 के पास ले जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें 400×9 बराबर V का वर्ग। अभी हमें दोनों का ही क्या करना है, हमको V का वर्ग नहीं चाहिए, हमको V निकालना है, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें आगे देखते हैं, अभी वर्गमूल लेंगे हम लोग इसका, वर्गमूल हो जाएगा V, वर्गमूल निकालने पे क्या होगा V² का वर्गमूल हो जाता है V, और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20, है ना,
400 किसका वर्ग होता है, 20 का वर्ग होता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे अभी, वर्गमूल निकालेंगे। 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 20, और 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। हम लोग को v का वैल्यू निकालने के लिए आसान हो गया, v बराबर कितना हो गया, 20 गुणे 3, तो कितना मिलेगा हमें, 60 वाट मिलेगा, 60 वोल्ट। तो विभवांतर कितना है यहाँ पर, 60 वोल्ट हो गया, है ना, 60 वोल्ट विभवांतर यहाँ पर है। ये दो आपका न्यूमेरिकल्स दिया गया था यहाँ पे उदाहरण के रूप में, बाकी के आपके टेक्स्ट बुक में जो बाकी के दो उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, वो आपके सिलेबस से ओमिट कर दिया गया है, वो इस साल आपको नहीं पढ़ना है, तो वो मैं अभी रहने देती हूँ। उसके आगे हमको दिया है आगे विद्युत धारा के प्रभाव, वो हम लोग देख लेते हैं। मैडम अब टाइम हो चुका है, क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं। हाँ सर चलिए, शेयरिंग बंद कर दीजिए। नहीं, प्रिंस गुप्ता आपको क्या पूछना है, माइक चालू करके पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, मैडम से बात कीजिए, आपको जो पूछना है अभी साइंस का जो पूछना होगा मैडम से पूछिए, और बाद में जनरल कुछ पूछना है तो मैं अभी टाइम दूंगा, 5 मिनट के बाद मैं आ जाऊंगा बात करने आपसे, ठीक है सर। ये कुछ कुछ लोग उस पे शेयरिंग पे एडिट कर रहे थे, इसके लिए अगर टीचर ने जो वीडियो प्ले कर रही थी वो वीडियो अगर भेज देंगी तो हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो पूरी तरह तैयार है, बहुत अच्छा वीडियो है। ये कुछ बच्चों के कारण से आपको देखने में दिक्कत हुई, लेकिन मैं वीडियो जरूर शेयर करूंगी, ये मैंने आप लोग के लिए ही बनाया है स्पेशली, ताकि बच्चे जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं कम से कम वो इसी बहाने पढ़ सके। अभी मैंने बहुत सारे बच्चों को भी है जो ऐसा कर रहे हैं धीरे धीरे अभी, और नेक्स्ट टाइम तो इसमें सेटिंग अंदर से रहेगी, कोई कुछ कर नहीं पाएगा अभी, इसलिए मैंने, देखो आप खुद होके अपनी आजादी को छिनवा देते हो, यहाँ पर आपको डाउट का भी ऑप्शन मिलता सबके साथ, लेकिन आप लोगों ने ऐसी गलती कर रहे हो, इसलिए मैंने सबको म्यूट करके रखा हुआ है, ओके। और अभी चैट भी ऑप्शन बंद है, अगर ऐसे आप करोगे तो नहीं चलेगा नेक्स्ट टाइम से, और अगली बार से जो हुआ वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। किसी को क्वेश्चन साइंस के बारे में पूछना तो अभी मैडम से पूछो, मैडम अभी जा रही है इसलिए। सो यहाँ पर स्वाति सिंह सर, प्रिंस अभी बंद रखो, आपका हो गया, स्वाति सिंह पूछो अभी थोड़ी देर के बाद मुझसे पूछना प्रिंस। स्वाति सिंह माइक चालू करो और बात करो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर होना मेरा भी वही कहना था कि आप वीडियो भेज दीजिएगा। बच्चा आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं वीडियो आप लोग के लिए ही बना रही हूँ, मुझे आप लोग का बहुत केयर रहता है, क्योंकि हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, और मैंने अपने तभी तक के 4 लेसन के बना भी लिए वीडियो, मैं आप लोग को जरूर सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच टीचर। आप लोग के लिए ही है, जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो लोग जुड़ जाना, चैट में लिंक है, ठीक है। हरिओम यादव साइंस का पूछो, क्या पूछना, बाकी लोग माइक बंद कर दो बेटा, माइक चालू करके पूछो हरिओम यादव। हेलो टीचर, क्राउलेट का मतलब क्या होता है? क्राउलेट मतलब जो चीनी होता है ना, चीनी मिट्टी से बना हुआ होता है, आपने वो देखा है फ्यूज कभी पत्थर का, वो जो कि उसके ऊपर चीनी मिट्टी का पूरा वो लगा रहता है। हाँ टीचर। हाँ तो उसमें मिक्स करके उसको बनाया जाता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता, वो कुचालक होता है, कुचालक यानी कि उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, और इसीलिए क्या करते हैं कि उसी का स्विच बनाया जाता है, और उसके अंदर तार फिक्स किया जाता है, प्लेट और तार उसके अंदर फिक्स करते हैं, वही क्रायोलाइट होता है। ओके टीचर। श्रद्धा केरनगर से, श्रद्धा माइक चालू करो बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। मैं ये बोल रही थी कि वो जो रहता ना हो जिधर वायर लगाते हैं बोर्ड, हाँ वो बोर्ड को मतलब वो उसके अंदर देखो वो डालते हैं जिससे करंट लग जाता है, तो उसे चेक करते ना टेस्टर। हाँ टेस्टर। तो टेस्टर में आपने बोला था जो एकदम बड़ा सा गोल रहता है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया कौन सा,
जो जैसे बिजली का वो रहता है ना। अच्छा आपको वो समझ में नहीं, वो पार्ट समझ में नहीं आया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हाँ देखिए हम लोग जो प्लग लगाते हैं सॉकेट में वहाँ पे तीन होल होता है ना, आपका थ्री पिन देखा है ना आपने, थ्री पिन, थ्री पिन, हाँ तो उसमें जो थ्री होल होते हैं आपने मोस्टली देखा कि जनरली पांच होल वाला मिलता है, लेकिन वो उसमें तीन फिट के लिए, तीन के लिए फिट होने वाला रहता है एक्चुअली। वो दो प्लग के लिए रहता है, दो टाइप के प्लग के लिए, कुछ प्लग छोटे होते हैं कुछ प्लग बड़े होते हैं। तो जो बड़ा वाला प्लग होता है मैं उसको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना, उसमें क्या होता है कि आप थ्री पिन जो है, थ्री होल है किसी के प्लग के लिए, उसमें आप किसी एक में टेस्टर अगर डालते हो, अगर वहां पे आपका जो टेस्टर है उसका बल्ब अगर चालू जाता है तो मतलब किसके लिए, वो लाइव तार के लिए है, यानी कि जिसके अंदर करंट फ्लो होता है। मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में कि जो हमारे घर में मेन तार आता है उसमें तीन प्रकार के तार का कॉम्बिनेशन होता है ना, एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थ, है ना। तो जिसमें करंट जलने लगता है वो क्या होता है आपका लाइव, यानी वो सॉकेट जो वो लाइव के लिए है, है ना। उसके बगल में जो होता है जिसमें कि टेस्टर का बल्ब नहीं जलता है वो क्या होता है आपका न्यूट्रल तार होता है, है ना, न्यूट्रल के लिए सॉकेट है। और जो होता है वो होता है अर्थिंग के लिए। अर्थिंग किसके लिए होता है, अगर अर्थिंग नहीं भी लगाएंगे तो भी देखा आपने बहुत सारे दो पिन देखे होंगे उसमें अर्थिंग का तार नहीं, लेकिन वो जल्दी क्या होता है कि अगर आप वो मशीन से जोड़ते हो किसी कारणवश, अगर मशीन में करंट आ गया आप उसको यूज कर रहे हो ऑपरेट कर रहे हो तो आपको करंट का झटका लग सकता है। लेकिन कर रहे हो जिसमें कि आपका अर्थिंग लगा हुआ है तो आपको करंट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, और इसीलिए वो थ्री पिन मोस्टली सेफ होता है। थैंक यू। सोनी प्रभा देवी से पूछो बेटा। सर लिंक भेज दीजिए। किस पेज की लिंक? ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको चैट में देखा, चैट में लिंक आया हुआ है बेटा, चैट में लिंक आया हुआ है, ठीक है देख लो। लोकेंद्र पड़िया कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैडम से पूछो साइंस का, दूसरा कुछ पूछने का मैं रखूंगा। सर नहीं दिख रहा है, वापस भेज रहा हूँ उनको। लोकेंद्र पड़िया कुछ पूछना है तो पूछ लो मैडम से, लिंक नहीं मिल रहा है। गुड मॉर्निंग मैम एंड सर। यस सर। हेलो। आप पूछो पूछो बेटा। किसे कहते हैं? क्या हुआ? विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा? हाँ अच्छा देखिए, आप कोई भी मेटालिक तार यूज करते हो ना, तार होता है ना मेटल का, धातु का, है ना। मेटल किससे बने होते हैं, कोई पदार्थ किससे बना होता है, तत्वों से बना होता है वो। तो हमारे जो तार होते हैं ना धातु मेटल्स, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब तक आप उसमें कोई सोर्स नहीं जोड़ते हो, मतलब अगर आप उसमें बैटरी एक्सेट्रा यूज नहीं करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन कोई भी मतलब मूवमेंट शो नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप उसमें बैटरी जोड़ते हो तो उसके अंदर आप क्या करते हो, आपने बैटरी देखा है उसमें एक तरफ प्लस चार्ज होता है एक तरफ माइनस चार्ज होता है ना। तो एक तरफ आप उसका विभवांतर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, एक तरफ उसका विभवांतर कम कर देते हो, यानी आप वहां पे विभवांतर क्रिएट करते हो। और उस कारण से क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धनाग्र की तरफ मूवमेंट करना शुरू करते हैं। तो धनाग्र की ओर जब मूवमेंट करना शुरू करते हैं तो उस मूवमेंट के कारण क्या होता है कि उस तार के अंदर करंट फ्लो होना शुरू होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, है ना। अगर आप खाली तार लेके बैठे हो उसमें आपने सोर्स नहीं जोड़ा है तो आपको हम लोग नहीं कह सकते कि उसमें विद्युत धारा है, है ना। लेकिन आप उसमें जब सोर्स जोड़ते हो, बैटरी जोड़ते हो तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि उस तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और कोई? निखिल चौहान। हेलो पूछो। टीचर एमसीबी का उपयोग कैसे होता है? कौन सा? एमसीबी का उपयोग। एमसीबी का उपयोग वहां पे करते हैं जहां पे कि हम लोग स्विच वगैरह नहीं लगा सकते। एमसीबी का मतलब क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। तो हम लोग का जो फ्यूज होता है उसका क्या होता है कि अगर आपका करंट ज्यादा हो गया, है ना, तो करंट ज्यादा होने से क्या होता है कि फ्यूज का तार गल जाता है ना। लेकिन एमसीबी में क्या होता है, उसमें प्लेट्स होते हैं, एमसीबी के अंदर दो प्लेट्स होते हैं, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट इस प्रकार से रखा गया रहता है।
जब करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है तो मेटालिक तार जो होता है वो खाली बेंड होता है, मतलब वो पिघलता नहीं है, लेकिन वो क्या होता है कि गर्म होके मूव होता है, फिर उसके ऊपर जो पट्टी होती है वो क्या होती है, सरक जाती है ना। अब करंट पट्टी सरक गई तो क्या हो गया कि अब वो करंट उसके अंदर फ्लो नहीं होगा, है ना। तो जो हमारा आपने देखा है कि ट्रिप गिर जाती है कभी कभी, बहुत करंट यूज करते हैं ट्रिप क्या होती है अपने आप नीचे गिर जाती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको वापस से रीसेट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज में आप उसको फिर से रीसेट नहीं कर सकते हो। तो एमसीबी का यही उपयोग है कि आपका जो डिवाइस है वो आप उसको फिर से खुद से बंद करके वो ठीक कर सकते हो, आप उसको खराब होने से बचा सकते हो, लेकिन फ्यूज एक बार अगर खराब हो गया तो आपको उसको फिर से प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर से ताला लगा के उसको बनाना पड़ता है। ओके ओके, तो थैंक यू मैडम, बहुत सारे सवाल ले लिए, ज्यादा टाइम हो गया है अभी, आपने इतना बेहतरीन लेक्चर लिया, अच्छा वीडियो पेश किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और काफी अच्छा लेक्चर हुआ। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तो अभी मेरी बात हुई है, अभी ये नेक्स्ट टाइम पे सेटिंग रहेगा तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके मैडम, आप लीव कर सकते हैं, थैंक यू, और आप पीपीटी मुझे भेज दीजिए पर्सनल व्हाट्सएप पर, मैं इन बच्चों को ग्रुप में दे देता हूँ आज का जो आपका वीडियो था। ठीक है सर, चलेगा। ओके मैडम, ठीक है, नमस्ते। तो अभी जिन बच्चों को जो भी प्रश्न है, जो भी आपको पूछना है, अभी जितने भी सेशंस हो रहे हैं उसके बारे में, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ पहले, अभी जिसको पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, अपने हाथ उठा के जो भी पूछना है मुझसे बात करेंगे। सबसे पहले तरबेज को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तबरेज को नमस्ते सर। हाँ बोलो बेटा। सर वो जो बच्चे लोग स्क्रीन पर सब खराब कर रहे थे, यस सर, वो जूम ऐप की सेटिंग से सही हो सकता है, जो भी क्लिक करेगा उस पर खराब करने के लिए उसका नाम शो हो जाएगा सर स्क्रीन पर। हाँ वो अभी हम करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम से वो ध्यान रखेंगे उसका, मेरे बात होते हैं, मेरे टेक्निकल पर्सन है, वो पहले से ही सेटिंग होगी, कोई कुछ लिख नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मंजू सिंह, माइक चालू करके बोलो। मंजू सिंह, अजीत ठाकुर, सर हाँ, आपने जो कल लिंक भेजा था चैट में, हाँ उस पे मैं कनेक्ट हुआ हूँ और उस पे मैं ज्वाइन हुआ, और आज आपने जो लिंक भेजा है ना उस पे भी मैं ज्वाइन हो गया, वो दो दो ग्रुप काम का है क्या? देखो जितने लोग कल ज्वाइन हुए थे ना वो ग्रुप भर गया था, तो जो लोग ज्वाइन नहीं हुए थे उनके लिए दूसरे ग्रुप का लिंक भेजा गया है। तो आप लोग आज वाले लिंक में अगर ज्वाइन हुए तो निकल जाओ। मैं आज वाले लिंक में ज्वाइन हो गया हूं तो निकल जाओ क्या? हां निकल जाओ, दो ग्रुप में नहीं रहना, जो दो ग्रुप में रहेगा दोनों ग्रुप से निकाल दिया जाएगा उसको। हां ठीक है, एक ही ग्रुप में रहो, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चों को मौका मिलना चाहिए, 256 बच्चे एक ग्रुप में आते हैं, तो अपने बच्चे ज्यादा हो चुके हैं तो सबके लिए किया गया, उसमें कोई कुछ भेज नहीं सकता है, सिर्फ यहाँ पर जो टीचर पढ़ाएंगे आपको, जो सारी पीडीएफ और पीपीटी और वीडियो भेजा जाएगा, टाइम टेबल भेजा जाएगा, लिंक भेजा जाएगा। ओके रामाशीष शर्मा, रामाशीष शर्मा बोलो। चलो नेक्स्ट मकसूद अंसारी, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग बेटा बोलो। सर जी मुझे टीचर जी से एक सवाल पूछना था, यानी ये क्वेश्चंस वही विद्युत धारा के बारे में। पूछो। गुड मॉर्निंग मैम। पूछो पूछो मैम, चली गई है। सर ये पूछना था, जैसे ये सॉकेट होते हैं ना। हाँ होते हैं। तो सर उसमें एक न्यूट्रल, एक फेस और एक अर्थिन होते हैं, इसमें तीन होते हैं। हाँ बराबर। तो सर इसमें जो पहला जो होता है न्यूट्रल और फेस, ये हाँ, दोनों से, ये दोनों के बिना करंट फ्लो नहीं आ सकता। हाँ और सर ये जो होता है न्यूट्रल वो अपनी सेफ्टी के लिए होते हैं, यानी अर्थिन अपनी सेफ्टी के लिए होता है, सॉरी न्यूट्रल नहीं अर्थिन। तो सर मुझे ये पता करना है कि जैसे कभी कभी क्या होता है मालूम है, कि न्यूट्रल में करंट आता है और जैसे न्यूट्रल में करंट आता है और फेस में आता है, कभी कभी दोनों में आते हैं, ये किसके कारण होते हैं? न्यूट्रल में करंट कहाँ आता है बेटा? देखो क्या होता है कि जब भी किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है ना, तो वो जो पॉजिटिव वायर होता है वहां से होके जो है निगेटिव वायर की ओर फ्लो होता है, जो न्यूट्रल है वो सिर्फ हेल्प करता है सर्किट कंप्लीट होने में। हाँ सर ठीक है, मैडम का नेक्स्ट लेक्चर होगा, आप उनसे डिटेल पूछना, साइंस के रोज अच्छे अच्छे एक्सपर्ट टीचर आ रहे हैं, आप जब मैडम से तो हाथ उठाए नहीं कि उठाए थे हाथ?
मैडम आ रही है सर अभी अभी वापस से कल से टीचर रोज साइंस के आ रहे हैं ना बेटा ठीक है हाँ। आपको बताएंगे हाथ जब टीचर का सेशन होता है उस समय हाथ उठाना डिटेल में जो भी रहेंगे ज्यादा डिटेल में और बताएंगे ठीक है करंट फ्लो होता है ना तो पॉजिटिव नेगेटिव वायर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से उसमें करंट फ्लो होता है ओके नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और पॉजिटिव टू नेगेटिव उसको पकड़ के करंट जाता है और जो सर कभी कभी क्या होता है ना सर हेलो सर कभी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में कभी कभी पॉजिटिव हो जाते हैं ये पूछना था मुझे ऐसा क्यों हो जाता है वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सब जो बोल रहे हो ना वैसा कुछ हो सकता है ठीक है तुम अभी प्रैक्टिकल बात कर रहे हो तो कभी ऐसे एक्सपीरियंस तुमने देखा है क्या क्या देखा है पॉजिटिव नेगेटिव हो जा रहा है क्या क्या एक्सपीरियंस किया है बताओ तुम जो बोल रहे हो कहीं देखे हो क्या ऐसा कि न्यूट्रल में से करंट आ रहा है सर एक बार क्या हुआ था कि मेरे घर में ऐसे ही मैं हो गया था तो लाइट बंद हो गया जब मैं चेक किया ना तो न्यूट्रल और फेस में दोनों में फेस आ रहा था यानी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों पॉजिटिव आ रहे थे इसलिए मैं पूछा पॉजिटिव तार से टच हो गया होगा समझ रहे हो वो न्यूट्रल की जगह वो पॉजिटिव वायर से कनेक्शन हो गया होगा उसकी वजह से समझे तो ऐसा टेक्निकल कुछ फॉल्ट हुआ होगा उसमें ठीक है ये सब डिटेल में आप बाद में पूछो साइंस टीचर से दूसरा कुछ पूछना है नहीं सर ठीक है थैंक यू ओके बाय जयबा शेख जो भी जनरल बात हेलो सर गुड मॉर्निंग बोलो गुड मॉर्निंग बेटा सर आपने जो लिंक भेजे है ना उसको क्लिक करने के बाद क्या करना है वो व्हाट्सएप पे चली जाओगी ग्रुप में आ जाओगी व्हाट्सएप के जहाँ पर सारी चीजें आपको मिलने वाली अपने आप ऐड हो जाऊंगी हाँ उसमें क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप खुलेगा उसमें ऐड हो जाओगी ग्रुप में ओके थैंक यू सर माइक बंद कर दो जिसका बात हो जाता है लोकेश पटेल हेलो बोलो सर मेरे को मतलब जो 25% कोर्स का हुआ है उसका मतलब मिला नहीं है तो आप सकते कल मैंने निकाल के रखा था आज भेज दूंगा मैं अलजेब्रा ज्योमेट्री साइंस का सब आज आ जाएगा ठीक है अभी थोड़ी देर में आ जाएगा तो अभी भेज देता हूँ हाँ तो सर और सर ये टाइमिंग क्या है मैं आज ही ज्वाइन हुआ तो मालूम नहीं है मेरे को टाइमिंग क्लास बेटा डेली 8 बजे से 12 बजे तक समझ में आ रहा है डेली 8 बजे से 12 बजे तक 11:30 तक क्लास चलेगा उसके बाद कुछ डाउट्स वगैरह तो वो भी हम क्लियर करेंगे आपके ठीक है हाँ सर मतलब इसमें ऑल सब्जेक्ट होगा ना पढ़ाई सब सब्जेक्ट पढ़ाई होगा सब सब्जेक्ट हो रहा है बेटा ठीक है ओके सर ओके और किस राकेश सिंह बोलो बेटा सर हाँ बोलो सर हमारे जो कलीना ग्रुप है ना कलीना हाँ, का हाँ बोलो तो उसमें आपने जो अभी मैसेज भेजे ना वो बोर्ड हाँ, से मैसेज तो हमारे टैब में ओपन नहीं होता है तो हम तो सर हम लोग ने ना तो कलीना जो ग्रुप है ना उसमें हाँ, हमने जो पढ़ाया था उसी में से करते हैं तो आप कलीना ग्रुप में भेजो ना सर पढ़ाई जो भी अपने मैसेज भेजे हाँ भेज देंगे चलो रखो ठीक है सर हेलो निशा निशा आओ जी बोलो गोवा में से चालू करके बोलो घर से सर मतलब हम लोग को दूसरे ग्रुप मतलब आपने लिंक भेजे थे ना हाँ उसमें से फिर हम मैं भी दोनों उसमें ज्वाइन हुई तो उसमें डिलीट कैसे करेंगे ऊपर वो ग्रुप को क्लिक करोगे ना तो लेफ्ट हो जाने का ग्रुप से निकल जाने का अच्छा मतलब उसको डिलीट कर दो ना निकल जाओ उसमें से निकल जाओ okay. आप लोग को दोनों ग्रुप में मैंने भेज दिया है जो भी अलजेब्रा ज्योमेट्री साइंस 1 साइंस 2 की बुक भेजी है उस बुक में जो ऐसे लाल कट मारा हुआ है ना वो नहीं पढ़ने का वो निकल गया है हाँ सर वो तो बताए हाँ अभी मैंने भेजा है उस ग्रुप में देख सकते हो जिसको चाहिए वो देख लो ठीक है और किसको क्या पूछना है और कौन हाथ उठाया जिसको निकलना है निकल जाओ आपकी पढ़ाई आज की खत्म हो चुकी है किसको कुछ डाउट है तो रुको यहाँ से सानिया है सानिया क्या पूछना है बोलो गुरु गोविंद स्कूल माइक चालू करके बोलो सानिया चलो राहुल 10th A श्रद्धा केर नगर बोलो क्या? बोलो श्रद्धा बोलो कुछ पूछना है
नहीं सर। हाँ चल गिरी, माइक चालू करके बोलो। बाकी लोग निकल जाओ, पढ़ाई आज की खत्म हो गई है, कल सुबह 8 बजे का निकलो, पहले से टीचर को पूछ सकते हो। हाँ बोलो बेटा। टंगस्टन मतलब? हाँ टंगस्टन। टंगस्टन एक धातु होता है बेटा, धातु तत्व, तत्व जितने तत्व होते हैं ना उसमें टंगस्टन एक तत्व होता है, ठीक है? हाँ सर। हाँ चलो, अभी बहुत सारे लोग हाथ उठाए, अभी किसको? हरिओम, हरिओम पूछ लो जल्दी से, सब लोग निकल जाओ, बाकी की आज की पढ़ाई खत्म हो गई है। हरिओम माइक चालू करो और बोलो। अभिषेक साहू माइक चालू करके बोलो। प्रिंस, प्रिंस बोलो, प्रिंस, प्रिंस गुप्ता, बाकी के लोग निकलते जाओ। हाँ बोलो। सर अभी आपने जो लिंक भेजा है सिर्फ मैं उसी में ज्वाइन हूँ? एक ग्रुप में ज्वाइन बनेगा, दो ग्रुप में नहीं। सर दो ग्रुप मुझे मालूम नहीं, आपने जो अभी भेजा है उसमें ही मैं ज्वाइन हूँ अभी। क्या ऊपर लिख के आ रहा है? 10th हिंदी म्यूनिसिपल सेकेंडरी 2 लिख के आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, बस सही है, उसमें सब आएगा। आया देखो, एक बुक भेजा मैंने, ठीक है? चलो ठीक है। मंजू सिंह, मंजू सिंह क्या बोलना है बोलो। बाकी के लोग निकलते जाओ, निकलते जाओ फटाफट, पढ़ाई खत्म हो गई बेटा, निकल जाओ। मंजू सिंह कुछ पूछना है? माइक चालू करके बोलो। प्रिंस माइक बंद करो। हाँ सर, कट किए उसको क्या करने का है? वो नहीं पढ़ने का, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो ठीक है, चलो इसके साथ मीटिंग बंद कर रहा हूँ मैं। बाय एवरीवन, कल सुबह मिलेंगे 8 बजे। ओके, मस्ती नहीं कर रहे हैं तुम लोग, आज बहुत मस्ती की हो सब लोग। चलो बाय।